बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या का नाबद हो या का नस्ताइन। मैं जनाब चीफ मिनिस्टर साहब, आपको, गवर्नर साहब, मिनिस्टर्स, मेंबर पार्लियामेंट, फेडरल मिनिस्टर भी, और हमारे जो सारे सूबाई मिनिस्टर्स बैठे और मेंबर्स पार्लियामेंट, ख्वातीन हजरात, देखें, मेरा जब मैंने पार्टी 25 साल पहले शुरू की तो हमारा जो नस्पलैन था, जो हमारा मंशूर तब था, उसमें बड़ा वाज़े था कि हमने पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाई रियासत बनाना है, जो कि पाकिस्तान की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, जो हमारी, जब हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जब पाकिस्तान के ऊपर जो अपनी विजन दी कि ये मुल्क क्या बनेगा, तो उन्होंने कहा इस्लामी फलाई रियासत। और जब भी मुसलमान इस्लामी फलाई रियासत की बात करता है तो वो मदीना की रियासत होती है। तो ये हमारा 25 साल से ये स्ट्रगल थी, और मेरी कोशिश थी कि जब भी अल्लाह ने ये मौका दिया तो मैं, बजाय ये कि जी एशियन टाइगर बना देंगे पाकिस्तान को या लाहौर को पेरिस बना देंगे, हमारा हमेशा किबला एक ही था कि इस मुल्क को हमने जिस वजह से यह मुल्क बना था, हमने उस तरफ इसको लेके जाना है। तो जब हमें पख्तूनख्वा की हुकूमत मिली तो आप सबको पता है कि वो एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, ताकतवर गवर्नमेंट नहीं थी, और सब ने यह कहा शुरू में मुझे कि ये आप हुकूमत ले ही ना, क्योंकि बड़ा मुश्किल है कोलिशन गवर्नमेंट को चलाना। तो मैं तो उस वक्त इंजर्ड था, तो मुझे बड़े लोगों ने ये एडवाइस ली कि आपकी बड़ा मुश्किल होगा हुकूमत चलाना, और पख्तूनख्वा के लोग एक दफ़ा ही बारी देते हैं, दूसरी बारी नहीं देते वो, तो आपको वैसे ही एक बारी के बाद आपकी सारी स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगी। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो पख्तूनख्वा की हुकूमत थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी, तो जब 2018 का इलेक्शन आया तो सारी दुनिया को एक ताजुब हुआ कि एक हुकूमत जो कि कोलिशन थी वो दो तहाई अक्सरियत लेके आ गई। तो उसकी वजह क्या थी, मैं जरा आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि उसकी वजह क्या थी। मुझे बड़ा, मैंने सुनना पड़ा कि जब हमारी हुकूमत आई केपी में, कि जी ये किधर है नया पख्तूनख्वा, हर वक्त हमें ताने दिए गए, लेकिन वोटर ने आखिर में फैसला क्यों किया, और शऊर रखते हैं यहाँ के लोग, ज़्यादा जमहूरियत का जहन है इस तरफ पख्तूनख्वा की तरफ, क्योंकि आपका सोशल सिस्टम ऐसा है, जरगा सिस्टम है, एक जमहूरियत सोच जमहूरी है लोगों की, तो क्यों उन्होंने दो तहाई अक्सरियत दी। यूएनडीपी की रिपोर्ट है, उन्होंने रिपोर्ट शाया की कि 2013 से 2018 जिस सूबे में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई वो पख्तूनख्वा था, तो इसलिए लोगों ने वोट दी, क्योंकि हमारे 5 साल में सारे पाकिस्तान के सूबों से ज्यादा यहां हमने गुर्बत को कम किया। और ये याद रखें कि 2013 में जब हुकूमत मिली तो सबसे ज्यादा तबाही वॉर ऑन टेरर की पख्तूनख्वा में थी, यहां पुलिस वालों की बहुत बड़ी कुर्बानी थी, 600 पुलिस वाले शहीद हो चुके थे, वो पुलिस अपने आप को बचाती थी तो शहरियों को क्या बचाना है। और शुरू में तो यहाँ की पख्तूनख्वा की कैबिनेट को, अगर आपने मिनिस्टर्स को मिलना हो तो वो यहाँ पेशावर में नहीं आपको मिलते थे, वो कुसार मार्केट इस्लामाबाद में मिलते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा खौफ था यहाँ उस वक्त। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी ठीक हो गया, और हुकूमत ने गवर्नेंस सिस्टम भी ठीक कर दी, और सबसे बड़ी बात कि पहली दफा 30% लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिली। तो मैं इसके ऊपर सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने शौकत आलम हॉस्पिटल सिर्फ एक वजह से बनाया था कि मेरी वालदा को कैंसर हो गया, बड़ी तकलीफ में थी वो, तो मैं एक हॉस्पिटल गया मेयो हॉस्पिटल में कैंसर के स्पेशलिस्ट को मिलने। तो उधर मुझे एक बूढ़ा आदमी नजर आया जिसके भाई को कैंसर थी, तो वो सारा दिन मजदूरी करता था और सारा शाम भाई के साथ बैठता था,
तो तब मुझे अंदाजा हुआ कि हम जिनके पास पैसा भी है, तो अगर हम हमारे लिए इतना मुश्किल है घर में कैंसर, तो गरीब घरानों में क्या होता है। तो उसकी वजह से शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बना था, कि मैंने तब सोचा कि कोई बेचारा गरीब आदमी जिसके घर में पैसा नहीं है, वो कम अज़ कम एक ऐसे इदारे में जाए कि अगर पैसा नहीं है तो उसका महंगा कैंसर का इलाज हो सके। तब भी जब हॉस्पिटल बना तो तब मैंने सोचा कि अल्लाह ने कभी मौका दिया तो ये सबसे बड़ी नेमत एक माशरे के लिए हो सकती है कि गरीब घराने में अगर पैसा नहीं है तो उनको ये फिक्र ना हो कि हमारा इलाज नहीं होगा अगर घर में पैसा नहीं है। तो उस लिए हेल्थ इंश्योरेंस, और तब जब हमने की तो बड़ा लोगों ने इसके ऊपर, पहले तो समझ ही किसी को नहीं आई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पख्तूनख्वा के लोगों को जो निचले कम तबका था उसको समझ आना शुरू हुआ इसका, और 30% ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी पख्तूनख्वा की कि 30% लोगों को उन्होंने कवर किया हेल्थ इंश्योरेंस से। और उसके बाद जब हमारी 2018 में गवर्नमेंट आई तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और महमूद खान मैं आपको और आपकी टीम को खास तौर पे खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं कि आपने फैसला किया कि हर खानदान को हमने पख्तूनख्वा में हेल्थ इंश्योरेंस देनी है, और आपकी वजह से फिर मैंने पंजाब को भी कहा कि आप भी सारे खानदानों को हेल्थ इंश्योरेंस दें, और इंशाल्लाह आप देखेंगे पंजाब में अब 1 जनवरी से वहां शुरू हो रहे हैं कार्ड, हेल्थ कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन, और 3 महीने में पंजाब ने सारे पंजाब में लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो नेमत है हेल्थ इंश्योरेंस की, सफेदपोश के लिए भी बड़ी नेमत है, लेकिन गरीबों के लिए तो ये एक ऐसी चीज है कि वो हमेशा आपको दवाएं देगा। महमूद खान आपकी गवर्नमेंट को, और गरीब की दुआ ये याद रखे कि अल्लाह ज्यादा सुनता है, दवाएं उसकी सुनता है। तो ये जो आपने शुरू किया, और आप आपकी वजह से पख्तूनख्वा में गया, अब बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा कि वो भी ये सूबे पैसा दे रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, उन्होंने भी फैसला कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान में भी, आज़ाद कश्मीर में, जिधर जिधर हमारी गवर्नमेंट है वहाँ सारे घरानों को, हर खानदान को हम एक हेल्थ कार्ड देंगे, 10 लाख रुपए तक किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकेंगे। ये आपको हैरत होगी कि दुनिया में अमीर तरीन मुल्कों के अंदर भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं है। ये जो हम करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान की मिसाल दी जाएगी दुनिया में, क्योंकि वहां हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है, या हर खानदान को हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है। तो सबसे पहले तो ये हमारा जो अब वो रास्ता है इस्लामी फलाई रियासत का, पहले तो ये वो चीज है कि जो हमें उस रास्ते की तरफ लेके जा रही है। फिर महंगाई आ गई, पहले कोरोना आया, बड़ा जोर लगाया मेरे पे लोगों ने कि जी लॉकडाउन कर दो, बंद कर दो, जिस तरह सारी दुनिया में हिंदुस्तान की मिसाल दी जा रही थी कि देखिए उन्होंने बंद कर दिया नरेंद्र मोदी ने, तो मैं भी कर दूं ताकि कोरोना ना फैले। और बड़ा मुझे बुरा भला भी कहा गया, 3 महीने मैंने बड़ी चीजें सुनी कि जी इसको पता नहीं है, किसी ने कहा इसके ऊपर FIR काट दो जो भी कोरोना से मरता है, क्योंकि ये लॉकडाउन नहीं कर रहा। लेकिन आज मैं अपनी टीम को, जो NCOC में हमारी टीम थी, जिस तरह एक एक हर रोज हमने डेटा देखा, साइंटिफिक फैसले किए, दुनिया से हट के फैसले किए, और ये आज हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रही है कि जो मुल्क जिसने सबसे बेहतर तरीके से कोरोना की जो वबा से जो अपने मुल्क को निकाला है वो पाकिस्तान है। इकोनॉमिस्ट मैगजीन, उसने कहा कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो सबसे, यानी दुनिया का टॉप मुल्क है, 190 मुल्कों में से सबसे बेहतर अपने मुल्क को कोरोना से भी बचा लिया और अपनी मायशत को भी बचा लिया। तो हम वहां से निकले, हिंदुस्तान में गुर्बत आई और अभी भी बहुत बुरा हाल है, मायशत अभी भी नहीं रिकवर कर रही, जो उन्होंने लॉकडाउन लगाए, जो मुझे कहा जा रहा था कि
उसके नरेंद्र मोदी जिस तरह कर रहे आप भी वही करें। लेकिन एक कोरोना का एक ऐसा दुनिया के अंदर एक ऐसा मसला बना जिससे पाकिस्तान भी ना बच सका। और वो क्या मसला है कि जैसे ही लॉकडाउन हुए कारोबार बंद हो गए, ट्रैवलिंग बंद हो गई, आपने देखा एयरपोर्ट्स बंद हो गए, उससे जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन का मतलब कि जब कारोबार से मसलन एक मुल्क दूसरे मुल्क को चीज़ें बेचता है वो बंद हो गई, तो उससे जब सप्लाई चेन बंद हुई कीमतों चीज़ों की कमी हो गई, कमी हुई तो चीज़ें महंगी हो गई, तो उसका हमें भी असर पड़ना था। यानी तेल जो था वो दुगना हो गया 3-4 महीने में, कोयला दुगना हो गया, गैस दुगने से भी ज़्यादा हो गई, गैस बल्कि कई जगह 3-3 गुना ज़्यादा बढ़ गई। तो ये सारी चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं। फिर जो घी है 70-75% पाकिस्तानी बाहर से इम्पोर्ट करता है, वो दुगने से भी ज़्यादा हो गया। तो इसका अब क्या गवर्नमेंट करती, हमने जितनी चीज़ें पाकिस्तान में थी हमने अपनी पूरा जोर लगा के, मैं अभी भी कहूँगा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है, हमने उनकी कीमतें नीचे रखी। लेकिन जो बाहर से चीज़ें इम्पोर्ट कर रहे थे उसका हम क्या करते हैं, हालांकि हमने पेट्रोल पे डीजल पे आप अगर दुनिया में देखें तो जो सवाए वो मुल्क जिनकी अपनी प्रोडक्शन है डीजल की, यानी उनकी ज़मीन से तेल निकलता है, उनके अलावा पाकिस्तान में सबसे बाकी दुनिया से सबसे कम कीमत पे हम अपना डीजल और अपना पेट्रोल बेच रहे हैं, क्योंकि हमने सारे टैक्सेस नीचे ले आए, सिर्फ ये कि लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। लेकिन बहरहाल महंगाई तो है और लोग मुश्किल में हैं, तो हमने फिर तीन महीने पहले प्लान बनाया कि हम अब कैसे लोगों का ये महंगाई का बोझ कम कर सकते हैं। तो उसमें फिर हमने एक प्लान बनाया, ये जो एहसास राशन है हमने 120 अरब रुपए इसके लिए निकाले, और हमने फैसला किया कि तकरीबन आधे अपने ख़ानदान पाकिस्तान में उनको 30% कम पे आटा, घी और दालें दी जाएं, ताकि वो ये मुश्किल वक्त जो है, जो हमारे ख्याल में ये सर्दियां बड़ा मुश्किल वक्त है, ये सर्दियों के बाद हमारा ख्याल है कि ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कीमतें नीचे आ जाएंगी, तो तब तक कम अज़ कम जो तीन चीज़ें एक गरीब आदमी के लिए ज़रूरी हैं, घी, आटा और दालें, इसमें 30% उनको रियायत मिल जाए। लिहाजा आज हम ये लॉन्च कर रहे हैं एहसास राशन, और इसमें मैं सबको अपील करता हूँ, अपनी MPs, अपने कारकुनों को, कि अपने ज़िलों में जाएं और लोगों को रजिस्टर करवाएं। जिसने रजिस्टर नहीं किया उन्हें कहें कि जो जिस भी ख़ानदान की 50,000 रुपये से कम आमदनी है वो रजिस्टर करें, ताकि उनको हम शामिल करें इसमें। और फिर जो करियाना स्टोर्स हैं जिनके ज़रिए जिधर आटा आपको और ये जो तीन चीज़ें रियायत मिलेगी, वो स्टोर्स को भी रजिस्टर करवाएं नेशनल बैंक के साथ। इश्तहार भी हमारे चल रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अपने कारकुन, अपने MPs इसमें पूरी तरह शिरकत करें, क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, जो आपके हलके के लोग हैं वो आपकी ज़िम्मेदारी है, तो आप उनको कम अज़ कम, वो जब मुश्किल में हैं तो जब आप उनको बताएंगे तो कम अज़ कम हम थोड़ी सी उनकी मुश्किल कम कर सकें। इसके अलावा एक और प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है और वो शुरू हो रहा है पख्तूनख्वा से और फिर सारे पाकिस्तान में जा रहा है, वो है कामयाब पाकिस्तान। कामयाब पाकिस्तान क्या प्रोग्राम है, इसमें हमने 2 करोड़ घरानों को, हमने नहीं सॉरी 20 लाख है ना, 20 लाख खानदान, 20 लाख जो सबसे बेचारे निचले कमज़ोर तबका है, 20 लाख खानदानों को हम हर एक खानदान को 4 चीज़ें दे रहे हैं, एक सूद के बगैर कर्जा, 5 लाख सूद के बगैर कर्जा अगर देहात में है तो अपनी किसान के लिए कि वो अपने ट्रैक्टर पे चीज़ें खरीदने पे लगा दे, बीज पे लगा दे, जो भी 5 लाख कर्जा उसके लिए, और शहरों के लिए 5 लाख कर्जा अगर वो कोई छोटी मोटी अपनी कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है। फिर उस ख़ानदान में एक घर को टेक्निकल एजुकेशन, उसको कोई हुनर सिखाएंगे ताकि वो अपनी आमदनी बढ़ा सके। फिर एक
उस खानदान उसी खानदान के अंदर एक घर के लिए कर्जा 27 लाख रुपया सूद के बगैर कर्जा एक घर बनाने के लिए। और फिर हमारी कोशिश ये है कि और फिर हेल्थ कार्ड वो तो खैर हम दे ही रहे हैं, तो यानी कि उस 20 लाख खानदानों को पूरी प्रोटेक्शन दे ताकि उनको हम ऊपर उठा सकें। मैं ये इसलिए आपको ये कह रहा हूं कि अभी हम इतना ही पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि आप सबको एक चीज समझनी चाहिए, अगर हमारे पास ज्यादा पैसा हो मैं आपको यकीन दिलाऊं कि इससे हम बहुत ज्यादा अलाउंसेस बढ़ाए। लेकिन हमारी बदकिस्मती क्या है, जब हमारी हुकूमत आई तो जो जितना भी हम पैसा इकट्ठा करते हैं, जितना भी हम टैक्स से पैसा इकट्ठा करते हैं, आधा उसमें से पैसा जो पिछले उन्हें कर्जे लिए हुए हैं उनके ऊपर सूद और किस्तें अदा करने में चला जाता है। तो यानी पहले साल अगर हमने 4000 अरब रुपया इकट्ठा किया पहला साल हमारा जो टैक्स पे, तो उसमें से 2000 अरब रुपया चला गया कर्जों की किस्तों पे, तो सिर्फ 2000 बच गया हमारे लिए। इस बार ही हमने उससे बहुत ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया है, लेकिन उसका भी आधा चला जाएगा कर्जों की किस्तों पे और सूद अदा करने में। लिहाजा जो हमारे पास पैसा खर्च करने के लिए वो कम है। इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारी आप आमदनी बढ़ रही है, हमारा टैक्स बढ़ रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारा मुल्क जिस तरह मैंने कहा सही रास्ते पर निकल गया है, तो जैसे जैसे हमारे पास पैसा आएगा पहली कोशिश होगी कि हम अपने निचले तबके को, कमजोर तबके को के लिए अलाउंसेस बढ़ाएं, उनके लिए और उनके सहूलतें दें, उनके लिए और जिंदगी आसान करें। और हमने एक और जो भी महमूद खान ने बात की स्कॉलरशिप्स की, तो हमारे पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप्स हम दे रहे हैं। इस वक्त 63 लाख स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं हम, 47 अरब रुपया हमने इसके लिए एलोकेट किया स्कॉलरशिप्स के लिए, 63 लाख नौजवानों को स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। और इसका सिस्टम मैं भी आपको बता दूं, क्योंकि हमारी बदकिस्मती से स्कॉलरशिप के सिस्टम में मेरिट के ऊपर कई नहीं दी जाती थी, अब ये मुख्तलिफ हेड्स में स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, मसलन रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप्स भी हैं, हायर एजुकेशन की भी स्कॉलरशिप्स हैं, पख्तूनख्वा आपकी स्कॉलरशिप्स दे रहा है, वो सारी जितनी भी हमारे सूबों में जिधर हमारी गवर्नमेंट है सवाई सिंध के, वो सारी स्कॉलरशिप अब मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर उसको मैं उसका डेटा मैं इकट्ठा कर रहा हूं मेरे ऑफिस में, और उसमें फिर ऑनलाइन हम जो जो भी स्कॉलरशिप्स लेंगे या जो भी कहना चाहेंगे कि जी हम करते थे हमें नहीं मिली, वो सारी एक पूरा मेरा ऑफिस होगा जो सिर्फ ये देखेगा कि स्कॉलरशिप्स मेरिट पे मिल रही हैं या नहीं मिल रही। फिर उन भी लोगों को, वो नौजवान जो पढ़ रहे होंगे अगर उनके पैसे खत्म हो गए और वो पढ़ नहीं सकते, वो अप्लाई कर सकेंगे हमारे उस ऑनलाइन के ऊपर कि जी मुझे पढ़ाई के लिए अब स्कॉलरशिप चाहिए, तो उनके सब कुछ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होगा, डेटा मेरा इकट्ठा उधर इकट्ठा होगा, ऑनलाइन लोग हमारे से कम्युनिकेट कर सकेंगे अगर वो समझेंगे मेरिट पे मिली या नहीं। और फिर मैं सूबों के साथ सीएम पंजाब के साथ, सीएम पख्तूनख्वा के साथ, बाकी जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान में चीफ मिनिस्टर हैं, आज़ाद कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर, हम उनसे इन टच रहेंगे कि इंश्योर करेंगे कि स्कॉलरशिप्स, और ये सबसे ज़रूरी है हमारे नौजवानों के लिए, मेरिट के ऊपर दी जाए। और ये मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे हमारा आमदनी बढ़ती जाए और ज़्यादा हमने पैसा बच्चों की तालीम पर लगाना है, और ख़ास तौर पर उस तबके की जिनको अभी तक आला तालीम नहीं मिल सकती थी। मैं आखिर में फिर से अपने सारे MPs को और मिनिस्टर्स को और चीफ मिनिस्टर साहब आपको भी ये कहना चाहता हूँ कि अपनी ये जो हमारा एहसास है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है प्रोग्राम, क्योंकि इस वक्त जिस तरह लोगों के ऊपर बोझ पड़ा हुआ है महंगाई का, तो आप ये सारों को ऑर्डर चीफ मिनिस्टर साहब आप सबको कहें MPs मिनिस्टर्स के अपने हल्कों में जाएँ और ये लोगों को कहें रजिस्टर करें इसके ऊपर 8171 के ऊपर रजिस्टर करें, और फिर करियाना स्टोर्स को भी रजिस्टर करवाएं ताकि जितने ज़्यादा करियाना स्टोर रजिस्टर होंगे उतनी जगह आउटलेट से लोगों को ये 30% 3 मेन दालें घी और आटे के ऊपर उनको कंसेशन मिल सकेगी।
आखिर में मैं एक और चीज़ भी ये कह दूँ कि हमारा आगे जो अब तक पाकिस्तान में बदकिस्मती से शॉर्ट टर्म प्लानिंग हुई है, ये हम पहली दफ़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में। हम 10 डैम्स बना रहे हैं अगले 10 सालों में। पहली दफ़ा 50 साल के बाद इस मुल्क में, 50 साल के बाद इस मुल्क में बड़ी डैम्स किसी ने बनाने की कोशिश की है। सबको पता है कि हमारी सारा जो बारिश है और पानी ग्लेशियर्स का भी होता है, वो साल में 3 महीने में सारा पानी दरियाओं में आता है, और उसके बाद फिर जब सर्दियां होती है हमारा पानी कम हो जाता है दरियाओं में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम रेजर्वॉयर्स बनाएं, पानी को रोकें। चीन के अंदर 5,000 बड़े डैम्स हैं, हमारे 2 और अब ये 3 3 बन रहे हैं। तो 5,000 बड़े डैम्स हैं और 80,000 सारे छोटे बड़े मिला के। तो हमने कोई आगे प्लानिंग नहीं की। ये पहली दफ़ा है कि हम आगे प्लानिंग करें अपने आने वाली नस्लों के लिए कि पानी को रोकें ताकि आगे हम और इलाके को काश्त कर सकते हैं। हमारी बढ़ती आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसके लिए डैम्स बना रहे हैं। और दूसरा, जो हमारी क्लाइमेट चेंज के लिए जो 10 बिलियन सुनामी, जिसमें पख्तूनख्वा सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा दरख्त आपने लगाए हैं अब तक, और इसके साथ साथ सफाई अपने शहरों की, दरियाओं की, हवा की, पोल्यूशन की, तो ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में प्लानिंग हो रही है। और फिर इंडस्ट्री की तरफ पहली दफ़ा जा रहे हैं, हमारी बड़ी देर के बाद इंडस्ट्री अब कर रही है। तो इंशाल्लाह ये मुश्किल वक्त से जैसे ही हम निकलेंगे, आगे मैं आपको बता दूं कि ये मुल्क बड़ी तेज़ी से तरक्की करेगा। शुक्रिया।